लोहरदगा में विक्रम संवत पर प्रभात फेरी निकालने जाने पर जिला प्रशासन के अन्यायपूर्ण नियम में बांधने और जुलूस में महज 100 लोगों की अनुमति के फैसले के खिलाफ जय श्री राम समिति के बैनर तले विभिन्न हिंदू संगठन एकजुट हुए। अग्रसेन भवन में आहूत बैठक में जय श्री राम समिति सदस्यों ने काला बिल्ला लगाकर जिला प्रशासन और राज्य सरकार के फैसले का किया विरोध। जय श्री राम समिति जिला अध्यक्ष राजीव रंजन ने हेमंत सरकार पर तुष्टिकरण करने का आरोप लगाया है। जय श्री राम समिति, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, महावीर मंडल सहित कई हिंदू संगठनों ने सरकार के फैसले का विरोध किया है। ऐसा है कि हमारा हिंदू भाई बंधु का एक मनोइच्छा था कि हम सभी प्रभात फेरी जो हर साल करते आ रहे थे, 2 साल से रुक चुका था, और अभी हम इसको पूरा हर्षोल्लास से करने के लिए गांव-गांव से लोग आने के लिए तत्पर थे, और हमने इसीलिए आज से ठीक 15-20 दिन पहले सरकार को एक लिखित लेटर इशू किए दिए थे जा करके, या रिक्वेस्ट किए थे कि हमारी जो जुलूस होगी उसको निकलने का परमिशन दिया जाए और आप भी उसमें सादर आमंत्रित हैं। उस दिन उन्होंने कोई भी विरोधात्मक बात नहीं कही, और आज जब हमारा प्रभात फेरी का ठीक 24 घंटा बचता है, उससे पहले उन्होंने एक हमारा हमें सौतेला व्यवहार के साथ सरकार के आदेशानुसार ये कहते हैं कि आपको जुलूस नहीं निकालना है। तो ये तो कहीं ना कहीं से हमारा हिंदू और सरना सनातन सभी को दबाया जा रहा है, जो एकदम असहनीय है। और इसी का विरोध में आज से हम लोग कल तक शाम तक काले बिल्ले के साथ सरकार का विरोध करते हैं, क्योंकि सरकार के साथ अब हम लोग को लग रहा है कि लोहरदगा में हम लोग हिंदुस्तान में नहीं, लोहरदगा पाकिस्तान में है। हम लोग सरकार का गाइडलाइन के कारण हम लोग को जो 9 वर्ष का प्रभात फेरी निकलना था उसको हम लोग आज सरकार और प्रशासन के विरुद्ध हम लोग रद्द कर रहे हैं। जुलूस जागरण वो सब कुछ नहीं होगा, और हम लोग काला बिला लगाकर कल दिन भर रहेंगे। सरकार का जो नीति है तुष्टिकरण के, इस पर क्या करेंगे? सरकार हमेशा हम लोग हिंदू धर्म के लोगों को दबाती है, हर समय कोई भी पर्व हो तो हिंदू को ही मना करती है, और समुदाय लोग को परमिशन दिया, सिर्फ जय श्री राम समिति से इस बार पता नहीं क्या फीडबैक दिया गया प्रशासन को, जिसके चलते उन लोगों हम लोग को धमकी भी दिए हैं कि अगर नहीं मानिएगा तो आप लोग ऊपर में कानूनी चिन्हित करके कानूनी कार्रवाई करें। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।